हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनफल। और सबसे पहले एक और बात आपसे बताना चाहते हैं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं, तो सबसे पहले हम आज बताएंगे वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में। सबसे पहले वर्ग वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। और उसी संख्या से, उसी संख्या के गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। जैसे हमने अभी कहा किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है और उस संख्या के गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। जैसे हमने दो कोई संख्या लिया, तो दो को दो से गुणा करने पर, यानी इसी संख्या से हमने गुणा किया, दो को दो से गुणा किया तो चार गुणनफल प्राप्त होता है। तो यह जो होगा, यह संख्या जो होगा वर्ग संख्या कहलाएगा। और उसी संख्या के गुणनफल, यानी दो के, तो दो को चार, दो को चार, दो को चार का वर्गमूल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे तीन कोई संख्या हो गया, हमने इसी संख्या से गुणा किया तो गुणनफल नौ आ गया। और नौ जो है, नौ और ये नौ, यानी तीन को नौ का वर्गमूल कहेंगे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है। अगला कि वर्गमूल का, वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, या इसको हिंदी में कर्णी कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं, और एक और साइन होता है स्क्वायर रूट अंडर, यह भी जो है यह वर्गमूल का चिन्ह है। और इसके बाद हम जानेंगे अगला पॉइंट, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है। तो पहला विधि जो होता है वर्गमूल ज्ञात करने की, दो विधि होती है, पहला विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरा जो होता है वह होता है भाग विधि। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले
गुणनखंड विधि किसे कहा जाता है, इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो जानेंगे गुणनखंड विधि तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो और इस पूर्ण वर्ग को गुणनखंड ऐसा करेंगे कि एक सजातीय जोड़े बन जाए, यानी इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो और इस पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड ऐसा करेंगे कि एक सजातीय जोड़े बन जाए। तो हम देखते हैं कि इसको गुणनखंड करने पर एक सजातीय जोड़ा बन जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। तो हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहा जाता है कि जो दी गई संख्या यानी वह पूर्ण वर्ग यानी जो दी गई संख्या वो पहले से किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 225। तो 225 जो है यह 15 का वर्ग है, यानी जो दी गई संख्या जो है यह पहले से ही वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। यह 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर 25 का स्क्वायर, ये 25 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये 5 का स्क्वायर है। ये जो 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, यानी जो यह दी गई संख्या जो है यह पूर्ण वर्ग है, लेकिन यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यह जो है यह पहले से यह किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 6 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 49 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 7 का जो स्क्वायर जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा उसके बाद हम क्या करेंगे, कि अगर हमने अभी बताया कि गुणनखंड विधि तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 का 20 50 25, फिर 5 से करेंगे 5 9 45, अब ये 3 से जाएगा 3 9। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 का सजातीय जोड़ा बन रहा है और 3 का सजातीय जोड़ा बन रहा है, यानी 5-5 का सजातीय जोड़ा और 3-3 का सजातीय जोड़ा। उसके बाद दोनों सजातीय जोड़े में से एक एक संख्या ली जाती है, यानी 5 में से एक संख्या ली जाएगी, 3 में से एक संख्या ली जाएगी, और दोनों को ली गई संख्या को हम गुणा कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल जो होगा यह आपका वर्गमूल कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो चलते हैं अगले बेसिक बात जानते हैं। अगला बेसिक बात क्या है, अगला यदि यदि कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं
वर्क करते हैं तो इकाई इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। तो देखते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि यदि कोई भी संख्या का हम जब वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे नहीं आएगा। जैसे हमने अभी 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। यहाँ जो इकाई का स्थान कितना है, 6 है, लेकिन इस संख्या में से कोई संख्या नहीं है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ पर भी इन चार संख्या में से नहीं मैच कर रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 6, 9, 4, 1, 5 और 9 इनमें से कोई संख्या जो है यहाँ पर वर्क करने पर नहीं आ रहा है। हमने अभी देखा कि अगर इस कोई भी संख्या का वर्क करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। तो चलते हैं और अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1 है तो उसका वर्गमूल इकाई स्थान पर 1 और 9 होगा। जैसे इक्यासी का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, यानी 99 81। 9 जो है एक सजातीय जोड़ा है तो दोनों में से एक संख्या लेंगे, यह 9 हो गया। तो हमने देखा कि इकाई के स्थान पर 9 आ गया। अगर हम 121 का वर्गमूल निकालते हैं तो यानी 11 गुणा 11 121 होता है, यानी दो संख्या में से एक संख्या लेंगे 11। तो इकाई के स्थान पर 1 आ गया। हमने पहले ही बताया था कि अगर यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका वर्गमूल इकाई स्थान पर 1 उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई स्थान पर 1 और 9 होगा। तो हमने अभी वर्गमूल निकाला, 81 का वर्गमूल निकाला तो इकाई स्थान पर 9 है, और 121 का वर्गमूल निकाला तो इसका इकाई स्थान पर 1 है। और देखते हैं अगर हम 441 का वर्गमूल निकाले तो 441 का मतलब होता है 21 गुना 21। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जोड़ा लग जाएगा सजातीय, तो 21 आता यह वर्गमूल है। तो यहाँ पर यह जो इकाई जो स्थान है यहाँ पर 1 आ रहा है। वैसे ही अगला टॉपिक पर देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या
दावा शून्य हो तो उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल के इकाई स्थान पर, वर्गमूल के इकाई स्थान पर पांच या सिंगल जीरो होगा। जैसे अगर हम 25 का, 25 एक संख्या है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका ये जो है वर्गमूल निकालेंगे 25 का वर्गमूल, यानी होता है 5 × 5 यानी 5 होता है, तो इकाई स्थान पर 5 आ गया। अगर हम किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर डबल जीरो है तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पर सिंगल जीरो होगा, यानी 10 × 10 बराबर, जो ये दो संख्या है दोनों एक ही जाति के हैं, तो 10 आपका वर्गमूल हो जाएगा, तो इकाई स्थान पर 0 आ गया। उसके बाद देखते हैं आपका 15 यानी 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई स्थान पर 5 आएगा ही आएगा। देखते हैं 15 × 15 बराबर 225 होता है, 15 × 225 होता ही है, और ये जो है दो सजातीय जुड़े हैं तो इसमें से एक संख्या ले लेंगे 15, ये आपका वर्गमूल हो गया और यहाँ इकाई के स्थान पर 5 आया। तो ऐसा ही हर वर्गमूल में यह रूल याद रखेंगे, इसके याद रखने से आपका वर्गमूल जो है बहुत आसानी से और जल्दीबाजी में बनेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 है तो, 4 है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने पर वर्गमूल के इकाई स्थान पर 8 और 2 होगा। जैसे हमने अभी बताया कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने पर वर्गमूल के इकाई स्थान पर 8 और 2 होगा। जैसे 84 एक संख्या हो गया, 84 एक संख्या हो गया, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो यानी 8 × 8 = 64 होता है, और दो संख्या में एक संख्या ली जाती है, तो ये दो संख्या में से एक संख्या कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो हमने देखा अभी इकाई स्थान पर 8 आ गया। अगर 144 अगर ये कोई संख्या है और इकाई के स्थान पर 4 है तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 12 × 12 144 होता है, और ये आपका 12 जो आ गया वर्गमूल आ गया। और तो यहाँ पर हमने देखा कि इकाई के स्थान पर 2 है। तो वैसा ही हर सवाल और हर क्वेश्चन में हम इसका ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और चलते हैं अगले वीडियो में आपका वर्ग वर्गमूल के क्वेश्चन को हम कराएंगे, उसके बाद घन और घनमूल के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। यह जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का जो लेवल जो है, हम हर वीडियो में बढ़ाते चलेंगे। तो यह जो सिलेबस जो है, यह जो चैप्टर जो है, हर एग्जाम में, वह एग्जाम या एसएससी का हो या सीजीएल का हो
या रेलवे का हो या ग्रुप डी का हो, हर एग्जाम में से दो या तीन क्वेश्चन इस सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपसे हम मिलेंगे।